इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसपीडी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली सामान्य ज्ञान के बुक से है, जो आपके आने वाले बीएसएससी एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 6 मॉडल सेट, सभी मॉडल सेट में 18 से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर एक का क्वेश्चन एक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिखने में कुछ दिक्कतें आती होगी जो आगे चलकर सब सही हो जाएगा। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान की बात की जाए तो दूसरा स्थान रखता है भारत सब्जी उत्पादन में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में, यहाँ पे आपको 1952 याद रखना है, में आरंभ किया गया था। कर्मचारी भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की आरंभ 1952 में किया गया था। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक की बात की, चार्ल्स डिकेंस जो है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक है। माय स्टोरी की बात की, मार्टिन नवराति लोबा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के रूप में। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड में पहली बार महिला को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। दुनिया में वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। आप सभी को याद, प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा संरक्षण किया जाता है। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी टूबो ने किया था। लोकसभा की जनता के सदन कहा जाता है। आप सभी को ये भी याद रखना है, जनता के सदन किसे कहा जाता है तो आप बता देंगे लोकसभा को। वर्णालता में संबंधित रंग लाल और हरा होता है, जो ये दोनों रंगों में अंतर, वर्णालता रोग वाले व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं पता कर पाते हैं। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालोविनस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 पीसी महालोविनस की अध्यक्षता में किया गया था। आप सभी को ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन या मैग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं, तो आप सभी को ये भी याद रखना। सेट नंबर टू, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेरी क्वान कविता का संलग्न अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, तो आप सभी को ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था। आत्मकथा किंग्स ऑफ फायर के लेखक की बात की जाए तो APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जिनका आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक की बात विलियम वर्ड्सवर्थ है। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना बीना वाद्य यंत्र सबसे पुराना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रीनिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध शिप स्क्रीपिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। काकातिया आंध्र प्रदेश का शासक हुआ था, आपको ये भी याद रखना। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा द्वीप है। आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा के जिन्होंने भारत जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। अनुच्छेद 24 के
तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। जो 14 वर्ष से कम वाले बच्चे को श्रम पे नहीं काम में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। विधवा गृह की स्थापना डी के कर्वे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। केरल राज्य समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन है। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम राज्य का 22वां राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी टूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। हिरोशिमा पर बात की जाए तो 6 अगस्त को गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी सभी आप सभी को याद रखना। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राग भैरवी गायन शैली है जिसका गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय सीमा 70 मिनट है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई को डेसिबल में मापा जाता है। आपको ये भी याद रखना। परम शून्य ताप का मान 273 -273 डिग्री 0.15 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। जैनपुर शहर में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जैनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। भारत मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आप सभी को ये भी याद रखना है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम को कॉर्पिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। प्याज में भोजन का संबंध सेलुलोज के रूप में होता है। हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य, गांधी ने जिन्ना को फायर आजम के नाम से नाम का उपाधि दिया था। हम्पी बेलारी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में निर्वाचित प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी लोग जानते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर बीमारी होती है। लाइम स्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। आप सभी को ये भी याद रखना है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इंडिया को राजधानी पांडिचेरी में स्थित था। बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है। आप सभी को याद रखना, बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। हैजा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न हुआ रोग है हैजा। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में स्थित है।
राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था, वर्तमान में भी ये चल रहा है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तारे का रंग उससे ताप का सूचक होता है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। सूर्य की पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा स्थित है। भारत में प्रथम मकबरा की बात की जाए तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा स्थित है। नागालैंड के राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। प्रथम राज्य है जिसका राजकीय भाषा जो है सो इंग्लिश है। लाल की सीमा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर का सॉरी लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर के नाम से जानते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थल है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। हॉकी में लाहौत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में स्थित है। लोहे के जंग लगने के मुख्य कारण ऑक्सीजन एवं नमी है, जिसे हम ऑक्सीकरण के वजह से जंग लगता है। जयाते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनाडो कैरिबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा हुआ था। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे। दिल्ली में सिंहासन पर अपने चाचा को हत्या करके बैठने वाला अलाउद्दीन खिजली हुआ था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली लाहौर बस सेवा उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य सबसे बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को किया गया था, आप सभी को ये भी याद रखना है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को गवास्कर को नाइट की उपाधि सम्मानित किया था। पिनॉक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, पिनॉक, जिसका नाम पिनॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। तो आप सभी को इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।